नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास, खबर फरुख आवास से। ग्राम पंचायत गुर्जरपुर थाना कंपिल ब्लॉक कायमगंज जनपद फरुखाबाद के ग्राम प्रधान की जांच 14 सितंबर को की गई, जिसमें नरेगा जॉब कार्ड फर्जी पाए गए, जिसमें प्रधान पुत्र, दोनों प्रधान पुत्र बधु, प्रधान पुत्री, प्रधान पुत्री का बेटा जिसका नाम विनय पुत्र रामपाल, एक नाम पर तीन नरेगा जॉब कार्ड, शौचालय की स्थिति बहुत ही दयनीय पाई गई, जो ठेकेदारों के माध्यम से बनवाए गए, जिनमें सीमेंट बहुत कम मात्रा में लगाया गया, कुछ शौचालय तो तुरंत ही गिर गए। आवास चेकिंग में प्रधानमंत्री के मानक के हिसाब से कोई भी आवास नहीं पाया गया, हर आवास में कमी पाई गई है, जो 27 आवास थे एक भी आवास सही नहीं। आवास पर प्रधान पुत्र ने 25,000 से 35,000 रुपए रिश्वत लेकर गरीब परिवारों को आवास दिए। मानक के हिसाब से कैसे बना पाए, अगर गरीब परिवारों के पास पैसा होता तो प्रधानमंत्री आवास क्यों लेते हैं। खड़ंजा और नाली चेकिंग में भी काफी जगह घोटाले पाए गए, कुछ खड़ंजे बने दिखाई दिए और कुछ नहीं। नाली जिस हिसाब से बननी चाहिए उस हिसाब से नहीं पाई गई। पूरी ग्राम पंचायत की चेकिंग में 60% से ऊपर गलत और घोटाले पाए गए हैं। नरेगा जॉब कार्ड कोटेदार का भी है, जो प्रधान बड़ी पुत्र वधु है। नरेगा जॉब कार्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का भी है, जो प्रधान छोटी पुत्र वधु है। प्रधान पुत्र का भी है, प्रधान पुत्री का भी है। प्रधान पुत्री के बेटे के तीन तीन हैं, जिसमें अधिकारियों की भी मिली भगत से यह घोटाले किए गए थे, जो अब खुलकर सामने आ रही है। इस तरह प्रधान, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यों पर अधिकारियों की मिली भगत से फेरा जा रहा है पानी और किए जा रहे हैं घोटाले। ग्राम सचिव और प्रधान पुत्र ने मिलकर खेला बहुत बड़ा खेल, जो अब खुलकर आ रहा है सामने, जनता के सामने। अब जनता दे रही है जवाब, जो गरीबों से ली है रिश्वत, कब दिए गए हैं आवास और शौचालय। यह प्रधान के कारनामे बहुत लंबी मात्रा में किया गया है घोटाला। आप बताइए, वहाँ पर कमीशन लग जाती है। कितने पैसे लिए? 25,000 रुपए। 1,10,000 मैंने फरुखाबाद से तहसील संवाददाता।